फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के वाईफाई की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ना फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको जो ना नीचे की साइड में आना है, ठीक है। नीचे की साइड आएंगे तो यहां पर आपको ना ये ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस, इसे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर भी आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की वाईफाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।